राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा उपचुनाव में एरिया मजिस्ट्रेट एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को शनिवार देर रात प्रोडक्शन वारंट पर जिला मुख्यालय स्थित कोतवाली थाने लाया गया। मीणा से अब यहां पर उनियारा सीईओ रघुवीर सिंह भाटी पूछताछ करेंगे। नरेश मीणा को कोतवाली लाए जाने के दौरान खासा हलचल रही है। यहां बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जानकारी के अनुसार थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा कोर्ट के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। मीणा को टोंक जिला जेल में रखा गया था। अब उसे पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर टोंक कोतवाली लाया गया है। वहीं मीणा को कोतवाली लाए जाने से पहले ही उसके मेडिकल के लिए डॉक्टर्स की टीम भी वहां पहुंच गई थी। नरेश मीणा को लाए जाने के दौरान किसी तरह का कोई बवाल नहीं हो, इसके लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता बुलाकर कोतवाली के बाहर तैनात किया गया है। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को 14 नवंबर को समरावता गांव गिरफ्तार किया गया था। फिर 15 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीणा की निवाई कोर्ट में पेशी हुई है। वहां से मीणा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में ही ग्रामीणों के बीच एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद इलाके में भारी बवाल मच गया था। मीणा को हिरासत में लेने के दौरान उसके समर्थकों ने कई तरह के वाहनों में आग लगा दी थी, प्रदर्शन किया था, पुलिस पर पथराव भी कर दिया था। बचाव में पुलिस को कई राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। फिर पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ा था। उसके बाद अगले दिन पुलिस ने समरावता गांव से ही नरेश मीणा को गिरफ्तार भी किया था। मीणा की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए उसके समर्थकों ने टोंक समेत कई जिलों में रास्ते भी जाम कर दिए थे। दूसरी तरफ इस घटनाक्रम को लेकर आरएसएस अधिकारियों और अन्य कर्मचारी संगठनों में भी आक्रोश फैल गया था। उन्होंने भी पेन डाउन स्ट्राइक कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उपजे हालात को देखते हुए सरकार को टोंक समेत मीणा के प्रभाव वाले कोटा और बूंदी जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी थी। तो फिलहाल के लिए एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर यह बड़ा अपडेट है, जहां पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। We'll be right back.